वेलकम फ्रेंड्स, पार्ट 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आप देख रहे हो यूट्यूब की ये डिलाइट एकेडमी। कंस्ट्रक्शन की सीरीज चल रही थी और इसके अंदर मैं आपको एक नया क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको एक मेथड के तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। ऑल्सो वेरीफाई एक्चुअल कैलकुलेशन। राइट, कैलकुलेशन देखेंगे हम, अगर पॉसिबल हुआ तो हम करेंगे, अदरवाइज सिर्फ हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ऐसा बोला गया है, मैं आपको एक रफ पेज के अंदर इसका जो स्केच बना के देता हूँ। क्या करना है, जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। ओके, एक सर्कल लेना है और इसकी रेडियस है आपके पास 3 सेंटीमीटर। राइट, और ये सर्कल के बाहर इसी सेंटर में से कंसेंट्रिक बोला हुआ है। यहाँ पे कंसेंट्रिक का मतलब होता है कि ऐसे सर्कल्स जिनकी जो सेंटर है वो सेम ही होता है। ठीक है, तो इसी सेंटर को लेते हुए आपको एक और सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। राइट, तो ये रेडियस है आपकी 6 सेंटीमीटर की। ओके, ये 6 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे कि इस सर्कल के किसी दो पॉइंट से आपको ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। अब कैसे करना है, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहली हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी कि हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का बोला हुआ है, तो हम पहले 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको पूरी वर्क स्पेस दिखाई दे। ओके, तो पहले हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल लेना है, तो मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का सर्कल ले लिया। फाइन, अब आपको इसी को ही सेंटर लेते हुए 6 सेंटीमीटर का सर्कल भी ड्रॉ करना है। तो मैं 6 सेंटीमीटर का सर्कल मेजरमेंट ले लेता हूं पहले। फाइन, आप इसको कैसे ले सकते हो, ये 6 पे रख दिया मैंने स्टील वाला पॉइंट और ये मेरा मेजरमेंट हो गया 6 सेंटीमीटर का। हमारा सेंटर ये था। ओके, मैं यहां पे क्लिप लगा लेता हूं ताकि ये पेज बार बार उड़ ना जाए। ओके, अब हमारे पास दो सर्कल हैं। ये जो इंटीरियर सर्कल है वो 4 सेंटीमीटर का है और ये बाहर का सर्कल है वो 6 सेंटीमीटर का है। तो हम क्या करेंगे, मैं 6 सेंटीमीटर वाले सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट एक्स। राइट, और ये जो हमारा जो सेंटर था उसको मैंने नाम दे दिया ओ। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इस ओ और एक्स को ज्वाइन कर लेते हैं। इस ओ और एक्स को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। थोड़ा सा अंधेरा आ गया है। ओके फाइन, मैंने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। हमने पहली बार कंस्ट्रक्शन के लाइव वीडियोस बनाने की कोशिश की है, तो हो सकता है थोड़ा सा कुछ आगे पीछे हो, तो हमें कोऑपरेट करना।
क्योंकि इतने प्रोफेशनल्स नहीं हैं हम यूट्यूब के ऊपर और इतने भी एक्सपर्ट यूट्यूबर्स नहीं हैं हम, फिर भी आपने इतना हमें सपोर्ट किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप कमेंट करते हो तो हम आपके लिए और भी वीडियोस बना के प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ पे ORX को ज्वाइन कर लिया है, अब इसको हम बाइसेक करेंगे। मेरे पास यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट है, ठीक है, इसको मैंने मेजरमेंट ले लिया है। अब आपको ऊपर नीचे ऐसे दो आर्क लगा देने हैं, आपको दो पॉइंट मिल जाएंगे, मैं रेड से दिखा देता हूँ आपको। एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे। मैंने बाइसेक किसको किया, ओ और एक्स को बाइसेक किया है, तो मुझे यहाँ पे दो पॉइंट मिल रहे हैं, एम डैस। आप इनको हल्का हल्का कनेक्ट कर दीजिए। हल्का हल्का का मतलब होता है डैश लाइन, ठीक है, मैंने इनको हल्का हल्का कनेक्ट कर दिया है। ये मुझे एक पॉइंट मिलेगा, मिड पॉइंट मिला है, तो मैं इसको M नाम दे देता हूँ। अब मैं M से X की रेडियस लूँ या M से O की रेडियस लूँ, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है। देखिए मैंने यहाँ पे इतना मेजरमेंट ले लिया है, ओके, अब मैंने इतना मेजरमेंट ले लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं इसको परफेक्ट कर लेता हूँ, ओके फाइन। अब ये इक्वल मेजरमेंट आ गया अच्छी तरीके से। अब मैं यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, फाइन। फिलहाल मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये 4 सेंटीमीटर का रेडियस था, उसके ऊपर एक पॉइंट यहाँ पे आ गया और एक पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, तो मैं इनको कनेक्ट कर लेता हूँ। चलिए ये और ये टेंजेंट T1 हो गया और ये टेंजेंट T2 हो गया, ठीक है। जैसे हमने रफ डायग्राम में देखा था, बिल्कुल ये रफ थी और ये आपके सामने रियल, कुछ नहीं है, कॉमन स्टेप्स हैं। हमें अंदर के रेडियस सर्कल के पॉइंट से हमें बाहर के सर्कल के किसी पॉइंट के ऊपर से हमें एक टेंजेंट बनाने थे, तो हमने इस तरीके से बना दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर भी शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें, कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का सोर्स है, तो आप इसको भी ध्यान में रखते हुए कमेंट्स ज़रूर ना ज़रूर देखें और कमेंट्स भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।